ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रजेंद्र सिंह शेखावत मानव भूगोल में एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ। मानव भूगोल की इकाई नंबर आपकी किताब का नाम है आपका मानव भूगोल, यूनिट आपकी फर्स्ट इकाई फर्स्ट। इस इकाई फर्स्ट में आपका पहला जो चैप्टर आपका है वो है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति में अपन पढ़ने से पहले आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन क्लास बताई थी, उसमें बताया था मानव भूगोल में जो भी मानव निर्मित भू दृश्य दिखाई देते हैं, मानव निर्मित भू दृश्य दिखाई देते हैं, इनका अध्ययन वह मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है, समृद्ध कराया जाता है। अतः विषय की प्रकृति में मानव के क्रियाकलाप, मानव के क्रियाकलाप महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मानव भूगोल में मानव के जो मुख्य बिंदु है, मानव भूगोल में मानव मुख्य बिंदु होता है, मुख्य बिंदु है मानव भूगोल के मुख्य बिंदु मानव है। इसके क्रियाकलापों का अध्ययन भी मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। अतः निम्न प्रकार से इसके प्रकृति को प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्न बिंदु में अपन मानव भूगोल की प्रकृति को संबंधित करते हैं। इसमें पहला आता है पॉइंट कि मानव की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं या जो मानव के क्रियाकलापों का विकास मानव के क्रियाकलापों का विकास का विकास कहाँ वह वाई क्यों वाई कैसे तब मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल की प्रकृति में जो मानव है केंद्र बिंदु है, इसके क्रियाकलापों का विकास कब कहाँ क्यों कैसे कब हुआ है, इन प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टि से जो उत्तर देना है वही मानव भूगोल की प्रकृति को व्यक्त करना है। पहला पॉइंट आता है मानव भूगोल का जो क्रियाकलाप है, मानव के क्रियाकलाप का मतलब है कृषि का विकास, किसी बात से कोई उद्योग है वो वहाँ क्यों लगा, कब लगा, उसका उत्पादन कितना होता है, वहीं वो उद्योग क्यों लगा, किसी प्रकार के गेहूँ की कृषि है वो उससे किन किन क्षेत्रों में होती है, वहीं क्यों होती है, कितना उत्पादन होता है, कब से प्रारंभ हुआ, इन प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टिकोण से कि वहाँ की जलवायु है ज़्यादा अच्छी है, वहाँ की मिट्टी है वो अच्छी है, वहाँ जल की सुविधा है, इन सब भौगोलिक प्रश्नों का उत्तर ये देता है। इसलिए जहाँ पर भी मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं उनमें इन भौगोलिक प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं उसमें मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जितने भी उद्योग हैं, जितने भी फसलें हैं, इनका विकास कैसे हुआ है, इनका भौगोलिक दृष्टि से उत्तर देना ही मानव भूगोल को प्रकृति को प्रकट करना है। दूसरा पॉइंट इसमें है मानव स्वयं एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है। मानव स्वयं एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है,
वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। इसका अध्ययन भी मानव भौतिक प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है। मानव कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं जिनका मनुष्य उपयोग करता है, वो सब प्राकृतिक संसाधन के जो मानव के लिए काम की चीज़ है, मानव के लिए आवश्यकता की चीज़ें हैं, वो सब कहलाती है प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन कहाँ निकलते हैं, कितनी मात्रा निकलते हैं, कौन कौन से संसाधन निकलते हैं, उत्पादन कितना होता है इनसे, इन सभी जो संसाधनों का अध्ययन है वो मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी है, उत्पादन कितना हो रहा है, पेट्रोल का उत्पादन कितना हो रहा है, बायोगैस का उत्पादन कितना हो रहा है, कोयले का उत्पादन कितना हो रहा है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कितना हो रहा है, इनका उत्पादन है और मानव के लिए ये आवश्यकता की कितनी पूर्ति करती हैं, इसका अध्ययन भी मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत रहती है। दूसरा पॉइंट आपका है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। पहला आपका पॉइंट था इसमें मानव भूगोल के जितने भी जो भौगोलिक कारक हैं उनका वितरण है, वो आप उनके कौन कौन से भौगोलिक कार्य कहाँ उत्पादन होता है, कैसे उत्पादन होता है, उन भौगोलिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा अपना इसमें पॉइंट है मानव चार प्रकार की व्यवसाय करता है, गतिविधियां करता है, चार प्रकार की गतिविधियां करता है। पहली गतिविधि करता है प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय। इस प्राथमिक व्यवसाय के अंदर मानव प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है मानव धरातल से, पृथ्वी की सतह से धरातल से सीधी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत संबंधित जाती है जिसमें कृषि है, खनन है, मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन आपका इसमें है, लकड़ी काटना है, जितनी भी क्रियाएं की जाती है मनुष्य धातु से सीधा भूमि से सीधे प्राप्त करता है, ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इन सबका अध्ययन भी मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है। जितने भी आपके व्यवसाय हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, इन सबका अध्ययन भी मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है कि कृषि में क्या क्या उत्पादन करता है, कर्म कौन कौन से किया जाता है, मत्स्य पालन कितना किया जाता है, लकड़ी की कटाई किन क्षेत्रों में की जाती है, ये भी मानव के प्राथमिक व्यवसाय है जिनको सीधे भूमि से प्राप्त करना है, धरातल से जो चीजों को प्राप्त किया जाता है मानव द्वारा, मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति जिन भूमि से या धरातल से करता है, संसाधनों के लिए वो सब चीज में प्राप्त होती है, आपकी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत समझ की जाती है संसाधन। इसी प्रकार द्वितीय क्रिया में या द्वितीय व्यवसाय में जो प्राथमिक व्यवसाय है, जो प्राथमिक व्यवसाय भूमि से मानवता प्राप्त कर लेता है, उनका उद्योगों के माध्यम से उनका और अधिक परिष्कृत रूप संशोधित रूप ही आपका द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि मानव की प्राथमिक क्रिया है और कृषि के अंतर्गत अनाज आता है, अनाज प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक व्यवसाय है, और अनाज से मैदा बना लिया, सूजी बना ली, ये द्वितीय प्रकार की क्रिया होगी, द्वितीय प्रकार का व्यवसाय हो गया। लोहा आयस्क, प्राथमिक व्यवसाय जिससे मशीन बनाना,
ये द्वितीय प्रकार के व्यवसाय है। इसी प्रकार से लकड़ी है ये प्राथमिक व्यवसाय है और इसे फर्नीचर बनाते हैं, ये द्वितीय प्रकार के व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय है? और अधिक परिष्कृत रूप और अधिक संशोधित रूप जो भूमि से अपने प्राप्त किया था उसको उद्योगों के माध्यम से कारखानों के माध्यम से यदि उसको संशोधित कर लेते हैं और अधिक परिष्कृत कर लेते हैं और अधिक उसको अच्छा बना लेते हैं अच्छी क्वालिटी बना लेते हैं तो आपका कहलाता है आपका द्वितीय व्यवसाय। इसी प्रकार से तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आपका आता है संचार एवं परिवहन। क्या करते हैं तृतीय प्रकार के आर्थिक गतिविधि, तृतीय प्रकार के आर्थिक गतिविधि में आता है तृतीय व्यवसाय है, तृतीय व्यवसाय आता है संचार एवं परिवहन। तृतीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय में आएगा आपका संचार एवं परिवहन। ये सीधा तो क्या है भूमि से या मानव से नहीं जुड़ा रहता है लेकिन प्राथमिक और द्वितीय क्रिया है उसमें यह सहयोग करता है सहायता करता है। विभिन्न प्रकार के संचार परिवहन का जो जाल पाया जाता है ये मानव की प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सहायक बनाता है उनको और अधिक सरल बनाता है। तो द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आपका क्या है संचार और परिवहन इनका जाल बिछा रहता है। ये तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं और चौथे इनका ध्यान भी मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है यातायात के कौन कौन से साधन हैं सड़क परिवहन रेल मार्ग वायु मार्ग इनका कौन कौन सी सड़क है कौन कौन से मार्ग है राष्ट्रीय मार्ग कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मार्ग कौन से हैं इन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल के तृतीय व्यवसाय किया जाता है और मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है। चतुर्थ व्यवसाय है, चतुर्थ व्यवसाय इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रिसर्च होती है शोध होते हैं शोध प्रबंधन प्रबंधन फिर रिसर्च मैनेजमेंट का कार्य होता है विभिन्न प्रकार की खोजें होती हैं वो चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आती है। इसका अध्ययन भी अपने मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत करते हैं। तीन बिंदु मुख्य रूप से हो गए आपके अभी तक मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन मानव के संसाधनों का अध्ययन मानव कौन कौन संसाधनों का उपयोग करते हैं उनका वितरण किस प्रकार से उसका अध्ययन विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है। और इन जब प्राथमिक द्वितीय तृतीय व्यवसाय उत्पन्न होते हैं तो उनसे क्या बढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के आपके जो है आपके कृषि कृषि क्षेत्र उत्पन्न होते हैं नगरीय बस्तियां बन जाती हैं गांव बन जाते हैं शहर बन जाते हैं औद्योगिक क्षेत्र बन जाते हैं औद्योगिक क्षेत्र बन जाते हैं सड़क बन जाती हैं इनका विकास हो जाता है। ये सब आपके कहलाते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य। तो अपन जो जानवर का पॉइंट इसमें है कि मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है सांस्कृतिक भूदृश्य। सांस्कृतिक भूदृश्य कौन से हो गई है नगरीय क्षेत्र हो गए बस्तियां हो गई है मानव बस्तियां हो गई है मानव बस्तियां नगरीय गांव सड़क कृषि क्षेत्र हो गए औद्योगिक क्षेत्र हो गए आपके नगरीय क्षेत्र हो गए पुल हो गया सड़क हो गई जो मानव द्वारा निर्मित क्षेत्र होते हैं वो सांस्कृतिक भूदृश्य हो जाते हैं। इन सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किस में किया जाता है मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। अब इसका जो लास्ट पांचवा पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा पॉइंट है लास्ट पॉइंट है इसका मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत मानव के और पर्यावरण का जिस प्रकार से संबंध पाया जाता है मुख्य इम्पोर्टेंट है इसमें कि मानव और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है।
इसका अध्ययन भी मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर किया जाता है, मानव और वातावरण। पांच नंबर पॉइंट पे मानव है वातावरण के बीच। पारस्परिक पारस्परिक संबंधों का यह भी मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है कि मानव और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। मानव और पर्यावरण के बीच में ये संबंध है कि जो आपस में संबंध हो जाते हैं तो इससे क्या है कि इनका मानव पर्यावरण का जो आपस में संबंध है उनका विश्लेषण किया जाता है और इनके जो पारस्परिक सक्रिय संबंध है इनसे वातावरण के दो पहलुओं का निर्माण होता है। वातावरण के दो पहलुओं का निर्माण होता है, दो पहलुओं का निर्माण होता है, एक तो है प्राकृतिक वातावरण और दूसरा होता है सांस्कृतिक। जो प्रकृति हमें जिस वातावरण देती है, सर्दी गर्मी है, वायु देती है, प्राकृतिक वातावरण कहलाता है, और मानव निर्मित जो भी आपके जो भी चीजें बनाता है मानव, ये प्राकृतिक या सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक भूदर्शी कहते हैं। भूदर्शी भी यही है जो मानव निर्मित होते हैं, ये प्रकृति निर्मित होते हैं, प्रकृति निर्मित ये मानव होते हैं। इस प्रकार से इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसे मानव और वातावरण के बीच में तीन प्रकार के संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। एक होता है अनुकूलन, एक होता है परिवर्तन और एक होता है समायोजन। इन तीनों का अध्ययन अनुकूलन का अध्ययन है, इसमें मानव प्रकृति अधिका हुई रहती है, प्रकृति अधिका हुई रहती है, प्रकृति जैसा करती है वैसे करती है, ये निश्चयवादिता का अनुकूलन हो जाती है। इस पर मानव अधिकार भी होता है, संभववादी विचार लगा है, तीसरी विचार द्वारा इन दोनों प्रकृति और मानव का संबंध परस्पर संबंध प्रकृति मानव का परस्पर संबंध। अनुकूलन में प्रकृति अधिकारी होती है, मानव अपने आप को बदलता है पर्यावरण के अनुसार, पर्यावरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, अपने आप को ढालता है, अपने आप को परिवर्तित करता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता है। जैसे एस्किमो लोग हैं, चारों ओर बर्फ की बर्फ पाई जाती है, बर्फ पाई जाने के कारण से ये अपने आप को अनुकूलित करता है और बर्फ के मकान बनाता है। इसी प्रकार से परिवर्तन में मानव के बजाय अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, कौशल से